नमस्ते, माई सेल्फ समीर कुमार, करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट एच आर कॉलेज अमनौर, द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा. आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन लेक्चर कोर्स ऑफ बीएससी फिजिक्स पार्ट वन. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिल्ड दिस कम्युनिटी टूगेदर. Therefore, I request you to use the comment section to introduce yourself and get to know each other. If you like the teaching, then don't forget to like and share the video. Today, we will discuss two important concepts of mechanics and relativity. One is reference frame and another one is inertial and non-inertial reference frame. So, what is reference frame? जैसे कि हम निर्देश तंत्र भी कहते हैं, तो यह जानने के लिए कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, वी हैव टू नो और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. सो हाउ वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हाउ वी कैन सी दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. टू डू दिस वी हैव टू टेक द एक्सेस सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम. द सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्स वाई Z are the axis. Now X and Y axis are in the plane of the screen and Z is perpendicular to the plane. Now in this coordinate system we can consider a particle P. To define the position of particle P we need the value of X, Y and Z. If we can describe the position, velocity and acceleration of particle P in this coordinate system, then we can say that this axis system or coordinate system is a reference frame. In other words, a coordinate system is referred to as a reference frame when we can describe the kinematics of an object within that system. By kinematics I mean the position, velocity and acceleration as a function of time. Therefore P ka position aur velocity batane ke liye humko kya chahiye, time axis bhi chahiye. एक हमको लेंथ स्केल चाहिए और एक हमें टाइम स्केल चाहिए और एक हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए. नाउ बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम. वन इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जिसको कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं और अनदर इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जिसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं. तो बात आता है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है. इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम है जिसमें कि न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं. तो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉल करेंगे. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट विथ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट मूव्स एट ए कंस्टेंट वेलोसिटी. तो कहने का मतलब है कि यदि कोई आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है या वस्तु है और यदि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो वस्तु कंस्टेंट वेलोसिटी से गमन करेगी. वो कंस्टेंट वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है. इसीलिए यदि वेलोसिटी कंस्टेंट है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा. तो इसीलिए हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते हैं और नॉन रोटेटिंग फ्रेम भी कहते हैं. ये सारे कंसेप्ट को आगे हम डिस्कस करेंगे. नॉन रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या होता है. तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये ऐसा फ्रेम है जो कि इनफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन या से मूव करती है और इज बीइंग रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ लेट अस कंसीडर टू फ्रेम. वन इज एस फ्रेम एंड अनदर इज एस प्राइम फ्रेम. एस फ्रेम का
कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, और एस प्राइम का एक्स प्राइम है वाई प्राइम। हम एस फ्रेम में एक पार्टिकल ले रहे हैं पी, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, ऑब्जर्वर ओ जो है इस पार्टिकल का डिस्टेंस ये मेजर करेगा। यदि कोई एक ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम में है तो ये आर प्राइम मेजर करेगा, और ओ प्राइम और ओ का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो ऐसा देखा गया है कि यदि एस प्राइम फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, एक इनर्शियल फ्रेम एस फ्रेम यदि इनर्शियल है तो एस प्राइम फ्रेम भी इनर्शियल हो, इफ दैट इज इफ एस प्राइम मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एस प्राइम इज आल्सो इनर्शियल। तो इस रिजल्ट को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सवाल है कि इफ आई हैव टू रेफरेंस फ्रेम्स, वन मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू अदर, देन प्रूव दैट द एक्सेलरेशन मेजर्ड इन बोथ द फ्रेम्स विल बी आइडेंटिकल। तो आर बराबर क्या होगा इस फिगर से, आर बराबर कैपिटल आर प्लस आर प्राइम। तो हमारा आर हो गया आर प्राइम प्लस ठीक है। नाउ आर प्राइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हमारा एस प्राइम फ्रेम मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी वी से तो आर क्या होगा, हमारा कैपिटल आर जो है फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और आर प्राइम भी हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं आर जीरो प्लस वी टी, भी क्या है इनफॉर्म वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम का, और आर जीरो क्या है ओ प्राइम का ओ से डिस्टेंस टी इक्वल टू जीरो। तो यदि हम आर प्राइम का डेरिवेटिव्स लेंगे तो क्या होगा, डी dt। अब इसको हम भी प्राइम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा स्मॉल भी, और ये क्या हो जाएगा यहां से कैपिटल भी। यदि हम इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन आएगा, ये हमारा हो गया ए प्राइम इक्वल टू ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो हमने पाया कि यदि एस प्राइम कांस्टेंट वेलोसिटी भी से मूव कर रही है तो एस फ्रेम में और एस प्राइम फ्रेम दोनों फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी, और एक्सेलरेशन से हमें तो
फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स यदि जीरो, सॉरी फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। तो इसके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।